तो ये देखिए गाइस, ये हो गई ऑन। इसको हम यहाँ से ऐसे करके घुमा भी सकते हैं ऐसे करके। एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका आपके भी यूट्यूब चैनल एन के सैनी ब्लॉग में। तो गाइस, जैसे कि मॉर्निंग हो चुकी है, मैं आ चुका हूँ सीधे, हम चल रहे हैं सीधा हॉस्पिटल। तो आज मॉर्निंग शिफ्ट है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के मिलते हैं गाइस तुरंत। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल में, अभी राउंड पे हूँ, राउंड्स कर रहा हूँ, पेशेंट को देख रहा हूँ। जितने भी पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं उनको देख कर फिर जाएंगे नीचे ओपीडी में। तो देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं पेशेंट्स को ये। तो चलते हैं फिर वहाँ पे इस वाले रूम में, इसमें दो पेशेंट एडमिट हैं, अंदर चलते हैं। गाइस, राउंड हो गया है, अभी जा रहे हैं नीचे ओपीडी में। ओपीडी में पेशेंट देखते हैं कितने हैं कितने नहीं हैं। वेट कर रहे थे बहुत देर से पेशेंट, अब चल रहे हैं नीचे ओपीडी में, वहाँ पे पहुँचते हैं। लिफ्ट बड़ी देर से आती है, इससे अच्छा तो जीने से स्टेज से चले जाओ, वो सही है, इसका वेट करना पड़ता है। तो सेकेंड फ्लोर पे थे हम, अभी ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं, पहुंच गए, तो चलते हैं बाहर। ओके, तो गाइस अपन अभी जाने वाले हैं, टाइम हो गया है 3 o'clock होने में 1 मिनट है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर जाएंगे रूम पे, कुछ बनाएंगे खाएंगे। अच्छा रहा आज का दिन यहाँ पे, पेशेंट अच्छे थे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छा था। तो चलते हैं सीधा रूम पे, मिलते हैं वहाँ पे पहुँच के, कुछ बनाएंगे, देखो क्या बनाते हैं रूम पे जाके, पता नहीं। तो चलते हैं फिर। गाइस, अभी बनाए हमने ये गरम गरम पकोड़े और चाय के साथ में, अभी पीते हैं फटाफट जल्दी से। तो गाइस, अभी अपन चल रहे हैं क्लिनिक पर, क्लिनिक कह रहा हूँ, हॉस्पिटल पे चल रहे हैं। एक जगह ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग भी हो गई और नाइट में भी एक हॉस्पिटल में जाना है। अभी वहाँ पर पहुँचते हैं, 15 मिनट लगेंगे। तो दोपहर में खाना वगैरह सब हो गया था, नींद भी पूरी हो गई, नींद भी ले ली है, सो गया था मैं, और अभी अभी उठाऊँ। तो चलते हैं फिर गाइस सीधा हॉस्पिटल, वहाँ पहुँचते हैं। गाइस, अभी अपनी नाइट इस हॉस्पिटल में है यहाँ पे। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, 10 o'clock, पेशेंट नहीं आ रहे हैं अभी। जितनी ओपीडी थी देख ली, ये इधर का ऐसा व्यू है, इधर से एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस है इसका, यहाँ से भी है। तो यहाँ से अभी हमने बंद कर रखा है इसको, नाइट हो रही है इसने, अगर कोई नाइट में इमरजेंसी पेशेंट आएगा तब इसको ओपन करेंगे, बाकी बंद रहेगा, बाकी समय से आएंगे उस साइड से। तो इधर एक दो तीन 3 बेड इधर है, 1, 2, 1 उधर है, 3 बेड इधर हैं, और इधर सामने ये हमारा, ये जो है ये हमारा इमरजेंसी है, कि अगर जैसे स्टिचेस वगैरह डालने होंगे तो हम इमरजेंसी पेशेंट को यहाँ पे लेके जाएंगे। चलिए दिखाता हूँ, ये यहाँ का इमरजेंसी वार्ड है, ड्रेसिंग रूम, यहाँ पे पेशेंट लेटता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यहाँ रखे हैं ये सब, और बाकी अपने इमरजेंसी मेडिसिन यहाँ पर हैं, जो भी चाहिए होगी, मास्क, पेन किलर, जो भी है, एवरीथिंग इज हियर, सब कुछ इधर रखा हुआ है। और ये लाइट है,
तो ये देखिए गाइस, ये हो गई ऑन। इसको हम यहाँ से ऐसे करके घुमा भी सकते हैं, ऐसे करके ये जल जाती है और रोशनी जहाँ पे डालनी है वहाँ पे आ जाती है। तो इसको हम ऐसे करके इधर लगा सकते हैं, तो इससे आसानी होती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती स्टेचेस वगैरह डालने में। अभी इसको ऑफ कर देते हैं, यहाँ से भी ऑफ होती है, मेन स्विच यहाँ पे है, बाकी इसके स्विच यहाँ पर है। ये कम करनी है, तेज करनी है, सब यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। ये ऑटो क्लिप मशीन है, इसमें इंस्ट्रूमेंट हीट होते हैं और ड्राई होते हैं वॉश होने के बाद। तो गाइज, आप सब लोग इन्हें तो जानते ही होंगे, ये हैं गौतम बुद्ध, शांति के प्रतीक। इन्होंने कभी भी किसी भी बात पर लड़ाई नहीं करी, हमेशा सबको प्रतीक दिया है कि शांत रहें और अच्छे से रहें। तो ये सभी हॉस्पिटल्स में होते हैं मोस्टली, यहाँ भी हैं। तो गाइज, अभी रूम में जाके सोने का टाइम हो गया, चलेंगे, लेटते हैं रूम में जाकर। टाइम हो गया है 11 o'clock, तो अभी कोई पेशेंट नहीं आ रहा है। अब नाइट में इमरजेंसी में कोई आएगा तब उसको देखेंगे। अभी चलते हैं रूम में लेटने के लिए। तो गाइज, ये अभी अपन का बिस्तर है, ऑल आउट भी है, फैन भी है। तो अभी ये क्लीन करेंगे अच्छे से, इस पर हम अपना अपनी बेडशीट बिछाएंगे और क्लीन करेंगे, फैन ऑन करेंगे, ऑल आउट ऑन करेंगे, तब सोएंगे। अभी गाइज फटाफट बिस्तर लगा लेते हैं, सब अभी ऐसे ही पड़ा है तो अभी बिस्तर भी हमें लगाना है, तो बिस्तर लगा लेते हैं, उसके बाद लेटते हैं, आराम करेंगे। टाइम भी काफ़ी हो गया है, 11:30 हो रहा है, सोते हैं फिर लेटते हैं फिलहाल। अपना बिस्तर अच्छे से, बैक सीट है। तो गाइस, अभी बिस्तर लग चुका है अपना सब, तो बिस्तर वगैरह लग गया है, अभी लेटेंगे। और अभी एक पेशेंट आया था, अभी उसको देख कर आया हूँ जस्ट अभी अभी। उसको कुछ नहीं, थोड़ा सा फीवर था, वही आजकल वही चल रहा है, डेंगू फीवर टाइप से, टाइफाइड, डेंगू, वही सब चल रहा है, कफ कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन, यही सब चल रहा है। तो उसको अभी अभी मेडिसिन देख के, इंजेक्शन लगा के तो अभी आया हूँ, तो अभी सोएंगे, लेटते हैं फिलहाल थोड़ी देर, उसके बाद में। यार भूख भी लग रही है गाइस, अभी बिस्किट का डिब्बा भी नहीं लेके आया हूँ, रूम पर रह गया, तो कोई नहीं, कल का पूरा दिन बिजी होने वाला है। कल मॉर्निंग में क्लिनिक है और क्लिनिक के बाद फिर 329 एक हॉस्पिटल में जाना है ड्यूटी के लिए, वहाँ पे जाएंगे 329, फिर नाइट में रूम पे स्टे करेंगे, फिर परसों को भी सेम, मॉर्निंग में क्लिनिक और आफ्टरनून में हॉस्पिटल, फिर उसके बाद चैन मिलेगा बस, फिर उसके बाद में कोई क्लिनिक, बस एक क्लिनिक है मॉर्निंग का, फिर उसके बाद में कुछ नहीं है, मतलब आफ्टरनून कोई ड्यूटी नहीं, नाइट में कोई ड्यूटी नहीं है, बस क्लिनिक ही क्लिनिक चलेगी मॉर्निंग मॉर्निंग। तो कोई नहीं, फिलहाल अभी लेटते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में जब नींद आएगी तब सोएंगे।
ओके गाइस, फिर सोते हैं। नींद आ रही है, बहुत तेज टाइम हो गया सोने का। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग।